कि आज हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है, रंजो अलम की कैफियत है कि हिंदुस्तान के बहुत मायनाद शख्सियत, बहुत बड़े अकाबिर उलमा हजरत मौलाना आरिफिल्ला वली रहमानी साहब का आज 2:30 बजे इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको गरीक रहमत से सरफराज फरमाए, उनके कब्र को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग बनाए, उनके पस मानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। और कर्नाटका से बहुत मेयारी इनकलाबी ताल्लुक था उनका, कि हर मसाइल में कर्नाटक के उलमा को और कायद को सियासी हजरात को बहुत ख़ास मुशफिकाना तवज्जुहात से नवाजते थे और मिल्ली और आवाम के कामकाज में अहम मशवरे से मुस्तफ़ी फरमाते थे। मुल्क का एक बावकार और मुनज़्ज़म और तमाम तबकात मसालिक मकातिब फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाला इदारा, इंतहाई मुअस्सिर इदारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके क़याम से वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए और अपनी कारगर्दगी के ज़रिए न सिर्फ मुसलमानों में, न सिर्फ तमाम तबकात में, बल्कि हुकूमत पर भी असरअंदाज है। आज उस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी, इंतहाई मुअस्सिर फ़ाल मुतहर्रिक शख्सियत हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब, जो अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड भी थे, आज वो दागे मुफारकत दे गए। दोपहर 2:30 बजे हिंदुस्तान के सिर्फ तमाम तंजीमों और तमाम तबकात के लोगों ही के लिए नहीं, बल्कि यहाँ बसने वाली तमाम आबादी के लिए एक बड़ा नुकसान है और मिल्लत इस्लामिया के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसे मौके पर जब मुल्क को ऐसे हमारे अकाबरीन की मुतहर्रिक और फ़ाल और दूरअंदेश क़ियादत की ज़रूरत थी, ऐसे मौके पर आपका जुदा हो जाना यकीनन ये मिल्लत के लिए एक अजीम नुकसान है। बहरहाल ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, जिस कानून के तहत वो जुदा हुए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और उम्मत को उनका नेमल बदल अता फरमाए।